आस्थान कवरेज में आप सबका स्वागत है। आज हम 12 झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर विधानसभा के गांव पटवाड़ा में हैं और हम आज जानना चाहते हैं लोगों से कि पब्लिक का क्या मिजाज है। लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा से सांसद दुष्यंत सिंह हैं और कांग्रेस से उर्मिला जैन भाया है, दोनों प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, तो लोगों से राय जानते हैं कि लोगों का इस बार क्या कहना है, क्या कहना है इस बार। ये कहना है कि ताकि वो उसे बना रहे, ये केंद्र सरकार का मामला है, गरीबों का मामला है, इसमें सारे गरीब दुखी हैं, तो सोच समझ कर मतदान करेंगे और जागरूकता पैदा होगी, लोगों को समझना चाहिए। आगामी वर्षों के अंदर ऐसे चलते आ रहे हैं जैसे कि गाँव की प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की क्या प्रॉब्लम है, गरीबों की किसकी प्रॉब्लम है, ये सारी समस्या दूर हो सोच समझ के मतदाता वोट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब जागरूक हो गए और सब पढ़े लिखे हैं, किसी प्रकार का वो नहीं है, आप स्वतंत्र होकर वोट देंगे। आपका क्या नाम है? सरपंच विजेंद्र कुमार बेव। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? मीटिंग भाग में नहीं जाएंगे। आपका क्या नाम है? मुझे जगह वोट दे कांग्रेस के। आज के खड़े हो जी की कोता। आपका क्या नाम है? बालमोहन मीना पड़पड़ा, वार्ड नंबर 9 मेंबर। इस बार क्या रहेगा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में? क्योंकि जीतवा को सब आज बात वोट दूंगा दुष्यंत सिंह जी। दुष्यंत सिंह जी को पक्का, ये वोट जो नहीं है सर, ये बड़ी बात है, ये तो गोगड़ा को नहीं। दुष्यंत सिंह जी को क्यों दे रहे हो? मर्जी ना की काम किया उन्होंने, मत करो मत हो गए दे रहे थे बीजेपी बड़े कमल आ जाएगी वहाँ जल्दी तुम्हारा वाले एक कुटी। आपका क्या नाम है? किशन गोपाल। कब यूर बोल, क्या चल रहा है पब्लिक में, क्या मिजाज है? देखो 50-50% लग रहा है अभी, देखो पब्लिक है। अच्छा 50-50% क्या मतलब? 50% ऐसा अनुमान है मेरा। अच्छा अच्छा, दोनों को मतदाता बराबर लग रहे हैं मेरे को। अच्छा, परिणाम बताएगा दुष्यंत जी सांसद है अभी, तो क्या वो अच्छे कैंडिडेट नहीं है क्या? अच्छे कैंडिडेट क्या है, पढ़े लिखे बेचारे नौकरी में पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है, बेरोजगारों के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है, खर्चा करके वहाँ माता पिता वहाँ बेचते हैं और खर्चा करते हैं और वो पेपर लीक हो जाता है, ये ऐसा शासन है कि क्या? उर्मिला जैन भाया, उर्मिला जैन भाया है, पर ये मोदी जी ने ये ऐलान किया था कि ST ST को खत्म करो, समान आयोग लागू करो, तो हम तो मीणा ST ST बहुत है हमारे गाँव में, तो हमारे तो नाड़ काट है, वोट कैसे देंगे भाई? तो ST ST को समान आयोग लागू कर रहे हैं और वो हमें जो सदा से चालू हो रही है, अब मोदी जी नोटों की तरह हमारी ST ST को आरक्षण को बंद कर रहे हैं, हम वोट कैसे देंगे? हमारे नाड़ काट है, वोट नहीं देंगे मोदी जी। उन्होंने ये ऐलान क्यों किया? अभी वोटों के बाद ऐलान किया था हमने मोबाइल में देखा था कि ST ST को समान आयोग लागू करो, विकसित कर्मचारी नहीं मिलते हैं, ST ST वाले भर्ती हो जाते हैं, ऐसे ऐलान हमने सुना है, तो हम तो वोट देंगे हम कांग्रेस को। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले भाई साहब? क्या करते हो? अच्छा, क्या है मिजाज इस बार लोकसभा चुनाव में? ये मिजाज है लोकसभा चुनाव में 50 साल पास अच्छा कोई सुना है कोई जायज बात नहीं कर सके कुछ नहीं तो करा गवर्नमेंट कर सके ना कुछ कर्मचारी कर सके जायज काम हो भाई ना जी गरीब गिरवा का जाए काम रुक पड़े थे गरीब जी की चल रही जी की चांद रही जी कर तो इस बार क्या क्या रहेगा अब बात तो देता है देखो बीजेपी मुझे दे रहा है आपका क्या नाम है भाई साहब? अशोक कुमार। क्या रहेगा इस चुनाव में? चुनाव में तो कह रहे हो जी दोनों आईडी बरियाबुरी जी तो मुझे राम मंदिर लेयर वोट मांग रहे जी, राम मंदिर का नाम जो वोट में लगा के उन्होंने तो अच्छा काम किया ना मंदिर बनाया तो मंदिर तो बनाया तो अच्छा काम तो किया है मगर ऐसा है पब्लिक तो काली तेला पकड़ा रहा है खाली तेला आया भी तो हाथ भरा हुआ तो आया नहीं पहले तो भरा हुआ आ रहा था तेला भी जो गरीबों का खाना दाना का काम चला था आपके पहले यहाँ ये उर्मिला जैन जो प्रत्याशी है मंत्री जी की पत्नी है हाँ तो प्रमोद भाई ने कुछ काम किए थे क्या इधर काम तो अच्छी प्रत्याशी हो अच्छी है क्या वोट मिलेंगे उनको वोट मिलेंगे ग्रामीण जो इलाका है वहाँ खड़े हुए हैं और ये सब हमारे बंजारा बस्ती के लोग हैं जो बंजारा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और
ये गेरू का कड़ी का इस तरह का काम करते हैं और मजदूरी का ये काम करते हैं। बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, इनकी बस्ती में हम लोग आए हैं और हम जानना चाहते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या पब्लिक का मिजाज रहेगा, इन लोगों का क्या कहना है, इनसे बात करते हैं। भाई आपका नाम बताइए। अच्छा क्या दिक्कत है? हमारे सारे वार्ड के प्रश्न, वैसे आप पानी भरवा जाओ तो गल नहीं, हेडपंप ही नहीं, अब कहाँ से कटा हम गल पानी का, चार हेडपंप है, चार टूटे पड़े हैं। चुनाव में क्या चल रहा है माहौल इस बार? चुनाव में लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा? जो काम कराओगा जो जीतेगा, जो हमारे सहायता करेगा जो जीतेगा बस। अभी तक आपकी बस्ती में कौन सी पार्टी के लोगों ने सुविधा की है? हमारे तो वो करिया है थोड़ा घना, वो भी वो मसान घाटी नहीं बनाया हमारे था। किसने ने बनाया? नहीं बनाया उगा जी सरपंच ने की जी, वो भी तो माई चाको चात्रो है तो वो भी अधूरे पड़िया। आई नहीं करे घर का जा कोई बाउंड्री बनी कमाई, अब बाउंड्री बना बनाती मसान का मसान घाट में आई अल्लाह पानी तो वस्त्र है और काई को नहीं। हेड पंप ही चलावा किसने बनाया? पर जावे प्रमोद बयान बनाया। अच्छा क्या बनवाया? तो प्रमोद बयान है माता जी के बाबा माता की बाउंड्री। अच्छा अच्छा प्रमोद भैया जी अच्छे हैं क्या? अच्छे है बड़ा काम करेगा जी ऐसे ही। आपकी बस्ती में आते हैं क्या? आते हैं। आए थे आपकी बस्ती में? जल्दी आया था, जल्दी आया था। अच्छा आपकी बात को सुनते हैं? सुनते हैं, सुनेगा सुनी है। जब तो उन्होंने लगाए थे पर अभी खराब है, चार हैंड पंप प्रमोद भाई जी के हैं, उनके पूरे गांव में भी गले हैंड पंप है, 25,000 बाती में चार हैंड पंप खराब है, तो पानी की बहुत समस्या है। हैंड पंप ठीक करवाना चाहते हो? हैंड पंप ठीक कराओ कौन कराओगा, पानी का लगवा दो ना, तो जो हैंड पंप जाबो हटी अभी नल और चलाऊंगा तो और टूट जाएगा, ये तो कहां तक सुधारेगा, घर घर नल लगवा दो ना, जो घर का ही बन जाएगा, सही करवा दीजिए, फिर भी खराब हो जाएगा। अरे इस बार अच्छा क्या रहेगा चुनाव में? इस बार चुनाव में इस बार मोदी जीतेगा, मोदी जीते। अच्छा मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा मोदी जी के शुभ चिंतक हो आप जी? कांग्रेस कुछ नहीं करती है? कांग्रेस भी करते हैं काम तो। अच्छा सभी पब्लिक की इच्छा है मोदी मोदी आए सभी जाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। वैसे इसको मेरा बहुल्य गांव बताते हैं, यहाँ से इस गांव से आरएस भी हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों में हैं और शिक्षित लोग हैं, किसान भी हैं। इन लोगों से हम जानना चाहते हैं कि पब्लिक का क्या मिजाज है और लोकसभा चुनाव में पब्लिक क्या करना चाह रही है, क्या रिजल्ट रहेगा। तो हम जानते हैं सबसे पहले राम रतन जी हैं, क्या रहेगा चुनाव में? चुनाव की तो कोई कह ही नहीं सकते, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मतलब किसी के मन का कोई भरोसा नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, वोट देने का सबको अधिकार है, लेकिन उससे ये पता नहीं चलता कि कौन किसको देगा कौन किसको नहीं देगा। भाजपा से दुष्यंत सिंह जी है और कांग्रेस से उर्मिला जैन भाई है, तो किसका माहौल चल रहा है आपके? ये तो पता नहीं है किसका है किसका नहीं, ये तो सब आप मतलब खुद के ऊपर डिपेंड करता है, कौन किसको देता है कौन किसको नहीं देता, इससे कोई दोनों में से प्रत्याशी अच्छा कौन है? दोनों सही है माना जाए तो, नहीं देखा जाए तो दोनों खत्म है, किसी ने क्या किया आप बताओ भाई साहब? देखो हमारे तो आज दिन तक कुछ काम भी नहीं हुआ जी, शमशान घाट है अभी वो आज दिन तक कुछ हुआ ही नहीं, हुआ ही कच्चा ही आज नहीं, 50 साल हो गए उसको, 50 साल से ऐसा ही पड़ा है वो। सिर्फ प्रमोद जी भाई ने अपने बाउंड्री बोली थी माता जी के, उसी वो बाउंड्री पूरी हुई है, उसके अलावा कुछ भी काम नहीं हुआ हमारा। आपने आपने किसी को बताया नहीं क्या? सबको बता दिया, सबको नोटिस दे दिया, सबको बीजेपी को दे दिया, कांग्रेस को दे दिया, सबको दे दिया, पर कुछ सुनाई नहीं करते। तो कांग्रेस ने तो आपकी बाउंड्री तो बनवाई ना? हाँ बाउंड्री सिर्फ बनी है बस, तो आपने बात रखी तो उन्होंने बाउंड्री तो बनवा दी? हाँ बाउंड्री बनाई है। अच्छा तो उर्मिला जैन भाई का क्या रहेगा? अब तो देखो फिर समय है, देखो क्या होता है कुछ नहीं होता है। आपकी क्या डिमांड है? और डिमांड देखो टाइम आने दो करेंगे, फिर मिल जुल के क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बाद में सोचेंगे। फिर क्या काम करते हो आप? मजदूरी करते हैं, बस्ती मजदूरी करती है। किस जाति से हो? बंजारा। आपका नाम भाई साहब? अच्छा किस जाति से हो? क्या करते हो भाई साहब? क्या रहेगा चुनाव में? चुनाव में देखो सबको लड़ाएगा, जो चीज माहौल बन रहा हो
किसी के शमशान घाट की बाउंड्री तक नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, आदमी जाते हैं तो कहाँ बैठे, बैठने के लिए कोई जगह भी नहीं। आपका क्या नाम है? सर राम बोल रहे हैं। अच्छा, कहाँ के हो? क्या काम करते हो? मजदूरी करते हैं। क्या रहेगा चुनाव? चुनाव में रहेगा वो तो समस्या बताओगे आप, जो आगे साथ देते जाओगा, लेकिन ये समस्या है, ये मजदूरी मजदूरी है पूरे, उनके एट पंपों का कोई निर्माण नहीं है, जो एट पंप रहे थे उनको पूरा एट पंप बंद है, कोई अल्लाह चला के देखो आप रोड पे एट पंप उसको अल्लाह चला के कोई पानी नहीं पी सकते, एक एट पंप दिया है उनको अल्लाह चला के पानी नहीं पी सकते, और पूरे एट पंप खराब है स्थिति में पूरा, और कोई मजदूर को पानी नहीं है सब मोदी जिंदाबाद चला, मोदी जिंदाबाद एक केसीसी कार्ड खास तरफ से अत्याचार मर गया छे, आत्महत्या करके मर गया खास कार वो सभी दानों होनी चाहिए, ये भी है ये दो महीना में है ये वो लिमिटेड वही विस्तार में होनी चाहिए, मतलब खास कार जो मर गया छे कोई का फसल लकड़ी बेचारा वो आत्महत्या करे मर गया छे तो वो काय करेगा, वो सरकार का जिम्मेदार है, उनका आप जिम्मेदार है, छोटो आदमी लेकिन मगर पानी पीवा की सुविधा को ना दो महीना में होइ छ एक नंबर ध्यान को ऊपर ध्यान को ध्यान को बाकी लोग पानी खा पूरा बाप जा रोड पे पूरे ब्रो जी हमारा एक हमारा एक अभी तो भाजपा की सरकार है, विधायक कमलनाथ भाजपा जो कोई जोर तो जनता के लाल के बेना हो, लेकिन वोट देती टाइम में कोई बात हमारे यहां बोलते हम से ये कर देंगे लेकिन किसी ये क्या वोट करेगा, एक तिमिया टाइम है तो कैसे हो करेगा यहां पे सेवा करने कोई नहीं है, कमलनाथ जी मेना हो विधायक बोल चाहे पहुंचे हुए उससे हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे जी गलत वोट के एक से ये मैं कहता आया हूं, तो अरे इसे भी मैं कहता हूं पूरे ने क्या सहायता करी, कमलनाथ जी मेना ने क्या सहायता करी हमारी, आपकी सहायता नहीं करी, कुछ भी सहायता नहीं करी, वोट लेने आते हैं चले गए, बस वोट लेने आ गए सीधा बस चले गए, अभी तो दुष्यंत सिंह जी है उर्मिला जैन भाई आपके सामने, अरे उर्मिल जी ना भाया हो या दुष्यंत जी हो, दुष्यंत जी में हमारा ज्वाइन है वो भी बोल रहा था पटे थे काहे दे दे कुछ कोई भी हो, अरे तू गरीबा को तो फायदा करेगा, ये दोनों लोगों का सामना और गठा बन रहे हैं, दुष्यंत हो या प्रमोद भाई जेनो हो चाहे कुछ भी हो, किसान को कर्ज माफ करवा के खींची कर्ज माफ कहाँ करवा रहा, किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, नहीं हुआ किसान का कर्ज माफ होगा, आप क्या किसानों का कर्ज माफ कराना चाहते हो? हाँ ये मांगे आपकी आपकी मेरे मांगे सभी गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसी जमीन जोता है किसी क्या करता है, किसानों का कर्ज माफ करो पहली बात करिए, अनाज जो चून आटा मिलता है वो बंद करवा दे मोदी जी ने, पानी की सेवा न हो तो वोट सेवा कायम न हो मालिक, आज वोट लेता हूँ पकड़ लो पानी न मिल सके टापरिया ना किसी ने भी टापरिया बड़ा बड़ा आदमी तो बोर कुदा लेगा, फिरोज खान ब्यूरो चीफ 12। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।